हे गाइस, वेलकम बैक। अगर आप एक फिटनेस पैंट लेना चाह रहे हैं और आपका बजट ₹2000 के आसपास है तो बहुत से अच्छी चॉइसेस अवेलेबल हैं हाईली पॉपुलर्स में, जैसे कि लेटेस्ट जो मी बैंड 4 अवेलेबल है वो भी आप कंसीडर कर सकते हैं। ऑनर बैंड 5 और बैंड 4 भी अवेलेबल है। लिनोवो बैंड 2 भी आता है, लेकिन मैं लिनोवो रिकमेंड नहीं करूँगा। आप मेरा पुराना लिनोवो बैंड का रिव्यू चेक कर लीजिएगा। एक और नया प्रोडक्ट आया है इन्फिनिक्स का बैंड 5। तो इस फिटनेस बैंड को मैं ऑलमोस्ट 1 वीक से यूज़ कर रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको शेयर करता हूँ मेरी क्या थॉट्स हैं इस पर, मुझे क्या प्रोज एंड कॉन्स मिले हैं। कुछ इस तरह की पैकेजिंग आपको मिलती है, कलरफुल IPS डिस्प्ले है, AMOLED नहीं है। अदर बैंड्स में आजकल AMOLED मिल रहे हैं, IP67 है, यानी कि आप स्विमिंग भी कर सकते हैं, चाहे तो उसको फ्रीज भी कर सकते हैं अगर आप अंटार्कटिका जा रहे हैं। तो स्मार्ट नोटिफिकेशन, कॉल एंड मैसेज, हार्ट रेट मॉनिटर, एक्चुअली ये कॉन्टीन्यूअस हार्ट रेट मॉनिटर है, और स्पोर्ट्स ट्रैकिंग, जैसे कि अगर आप वॉकिंग करते हैं या रनिंग स्विमिंग जो भी है। स्लीप मॉनिटर, कितना घंटे आप सोए वो चीज़ यहाँ पे पता चल जाएगी। ऑलराइट, तो सिंपल सी पैकेजिंग है। एंड अंदर जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक बैंड मिलेगी ऑब्वियसली, और कुछ नहीं मिलेगी, कोई केबल नहीं है। एंड ओवरव्यू दिखा दूँ तो ऐसा सेम तरह का फिटनेस ट्रैप आपने पहले भी देखा होगा, जैसे कि ऑनर यूज़ करती है। थोड़ा सा लुक एंड फील अलग होगा, यहाँ पे टेक्सचर्स डिफरेंट है, बाकी एग्जैक्टली वैसा ही है, तो कोई इसमें नया डिज़ाइन नहीं दिख रहा है। एंड एक चीज़ यहाँ पे एक्साइटिंग दिख रही है कि ये स्टील का आपको यहाँ पे देखिए एक छोटा सा फील होगा। तो एक्चुअली मुझे लग रहा है, जैसे लगा था इनिशियली कोई यहाँ पे ये कोई बटन होगा, बट एक्चुअली यहाँ पे ये बटन कुछ नहीं है, ये बस ऐसे फैंसी डिज़ाइन है। बस जो भी है दिखने में काफ़ी अच्छा है। एंड उसके बाद चले यहाँ पे, तो बैक साइड में आपके जो आपके ऑब्वियसली हार्ट रेट मॉनिटर के सेंसर वो सब मिलते हैं। एंड जैसे कि बॉक्स में कोई केबल नहीं था, तो इसको चार्ज करने के लिए आपको आई गेस यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो ये इस तरह यहाँ से निकलता है। एंड अगेन, जैसे मैंने बताया, आपको इसमें USB में से प्लग करना पड़ेगा, और यहाँ पे ऐसे दिखा देगा कि ये चार्ज होने लगा है। तो आप लैपटॉप पे कर सकते हैं, आपके पास अगर कोई USB चार्जर है, जैसे कि पावर बैंक, इसमें पावर कैपेसिटी लिखी होगी शायद 2 वोल्ट 1 एम्पियर कुछ होता है, ये ऐसे फिट जाती है। तो अदर बैंड्स में आजकल एक छोटा सा डॉक मिलता है, मुझे लगता है वो इम्प्लीमेंटेशन ठीक है। एंड स्पेशली ऑनर बैंड का सबसे अच्छा होता है। मी बैंड में क्या है, आपको ये चीज़ पूरी बाहर निकालनी पड़ती है, अगेन ये एक मैसअप होता है निकालना लगाना। और यहाँ पे क्या है, छोटा सा आपका स्मार्ट वॉच टाइप का चार्जर आता है, आप उसको लगा सकते हैं डायरेक्टली, ऐसे पॉकेट पर रख सकते हैं, तो ये इसमें अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पे भी ये चीज़ आई गेस चेंज करनी चाहिए। यहाँ पे ब्लूटूथ वर्जन 4.0 है, 90 mAh की बैटरी है, और यहाँ पे एक ये सेटेनेटरी रिमाइंडर है। इसका मतलब ये कि अगर आप थोड़ी देर तक जैसे इनएक्टिव हैं, जैसे आप चेयर पे बैठे हुए हैं हाफ एन आवर या कुछ से ज़्यादा, तो आपका ये बैंड वाइब्रेट करता है, थोड़ा सा आपको नोटिफिकेशन देगा। और कंपनी क्लेम करती है कि 7 दिन का बैकअप मिल जाता है आपको अगर एक बार चार्ज करते हैं विथ हार्ट रेट मॉनिटरिंग ऑन। और ये डिस्प्ले 0.96 इंचेस का है, LCD डिस्प्ले है, AMOLED नहीं है। और यहाँ पे आपको एक बटन मिलता है जिसके थ्रू आप ऐसे नेविगेट कर सकते हैं, कोई इसमें टच पैनल नहीं है। अब चूंकि ये कॉन्टीन्यूअस हार्ट रेट मॉनिटरिंग है, तो बहुत से लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी हो सकता है, स्पेशली जैसे कि जिससे एंग्जाइटी या डिप्रेशन की प्रॉब्लम है या हार्ट से रिलेटेड डिसीज़ है, तो कॉन्टीन्यूअस मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि जो होल्टरमीटर आता है वो काफ़ी महंगा होता है, 5000 रुपये 24 आवर का लगता है, तो इससे आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। एक मैं आपको गाइस बहुत इंपॉर्टेंट फीचर बता दूं, शायद आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो जस्ट नाउ मैं इस बैंड को पहन के, साथ पहना था, मैं रेस्ट कर रहा था काउच पे, तो इन बिटवीन कुछ मुझे वाइब्रेशन सा फील हुआ और कंप्लीट यहाँ पे सब कुछ रीसेट हो गया था, तो दोबारा मुझे सिंक करना पड़ा। मे बी कोई बटन यहाँ पे एक्सीडेंटली डबल प्रेस हो गया होगा, शायद उसे रीसेट हो गया होगा, तो मुझे नहीं पता। राइट, तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, वो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये एप्लीकेशन कैसा है। इन्फिनिक्स लाइव 2.0 है, वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। मैं आपको फीचर्स गो थ्रू कर दे रहा हूँ कि एक्चुअली कैसा है, और यहाँ पे आप ये भी चेक कर लीजिएगा कि पानी के अंदर कॉन्टीन्यूअस हार्ट रेट ट्रैक होता है कि नहीं होता है। राइट, कनेक्टेड तो है, यहाँ पे मी पे जाएंगे। सो ये ऐसा फीचर है, टुडे में आपको सारी चीज़ दिखाएगा जो आज है यहाँ पे। स्पोर्ट्स में अगर आपको एक्टिव करते हैं, वॉक, रन, साइकिलिंग, स्किपिंग, एंड ये मैनुअली एक्चुअली होता है अगर आप कुछ करना चाहते हैं। डिवाइस पे आएंगे तो आपकी डिवाइस को इन्फॉर्मेशन दे देगा। सेटिंग्स यहाँ पे कर सकते हैं, शेक टू टेक पिक्चर्स एंड राइट हैंड टू एक्टिव डिस्प्ले, ये बाय डिफॉल्ट 5 सेकंड होता है, आपको 10 सेकंड करना पड़ेगा। कुछ यहाँ पे है जो सेटिंग्स आप यूनिट्स वो सब चेंज कर सकते हैं। ओके, मी में आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन सेक्शन आ जाएगी, आपके जो नाम है, कुछ एज एंड वेट एंड ऑल द स्टफ़। नाउ कुछ और चीज़ यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, जैसे आप देख सकते हैं स्टेप्स पे आ जाएँ
तो यहाँ पे कैलेंडर से होता है इंडिविजुअली कितना कैलेंडर, अब चूंकि जैसे मैंने कहा ये रीसेट हो गया था तो यहाँ पे भी टोटल जीरो दिखा रहा है। तो बाय डेट आप देख सकते हैं आज 1 दिसंबर है, बैक करेंगे तो 22 से मैंने इसको स्टार्ट करना यूज़ किया था, 7 to 9, 10 डेज हो गए। यस्टरडे का आपको दिखाता हूँ, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कितने स्टेप्स आपने ट्रैवल किए, 8608 एट टोटल डिस्टेंस इन किलोमीटर एंड कैलोरीज कंजम्पशन, और इस तरह इसमें दिखा देगा। एक दिन और पहले चलते हैं अगर 29, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10,000 स्टेप्स क्रॉस, सो कुछ वेरिएशन होता रहेगा। ये तो स्टेप्स था, स्लीप काउंटर में जाएंगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कितना देर आप सोए, तो जितनी डीप स्लीप होती है ज़्यादा अच्छी होती है, तो डीप स्लीप जितना ज़्यादा आएगा तो आपके लिए उतना बेटर है। यहाँ पे भी आप सेम कैलेंडर से चेक कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं 29 का दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे डीप स्लीप वेरी होती रहती है, डिपेंड्स ऑन यू नो स्ट्रेस लेवल एंड ऑल, तो ये भी आप देख सकते हैं डीप स्लीप ज़्यादा होनी चाहिए, ज़्यादा अच्छी, कितनी बार आप जाएंगे वो भी दिखा देगा, तो डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेगा अगर आप उठते हैं तो। हर्ट रेट देख लीजिए, ये कॉन्टीन्यूस हर्ट रेट है, और अगर कैलेंडर वाइज देखें तो एक है 30 ओवर नाइट, आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे सेट कर लेंगे कितना ज़्यादा आपका गया है उसके हिसाब से, और ये पीक दिखाता रहेगा आपको। टाइम देखिए 6:10 और इस तरह, यहाँ पे कोई ऐसे स्वाइप फीचर नहीं है, आपको यहाँ से चेंज करना पड़ेगा। अगर हम 29 पे जाते हैं तो यहाँ पे देखिए सम हो, जैसे अगर आप रनिंग कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं तो उस वक्त देखिए 141 शाम को 5 बजे, और अगर और जाएँ तो ये पीक पे है, आप अलार्म सेट कर लेंगे, तो ये मिनिमम टू मैक्सिमम यहाँ पे दिखा रहा है। तो ऐसे कुछ आप यहाँ पे ट्रैकिंग कर सकते हैं, एंड ये रहा आपका एप्लीकेशन का डेमो। तो जहाँ तक मैंने देखा है गाइस, बहुत सी कंपनियों के फिटनेस बैंड यूज़ करके, इवन सैमसंग का जो ये जो गैलेक्सी वॉच आते हैं ये भी एक्यूरेट नहीं है। तो मैंने आपको रिसेंटली अपने ब्लॉग चैनल पर दिखाया था कि जब मैं 11 साल बाद बस से ट्रैवल किया था, तो उस बस में बैठे बैठे इस बैंड ने 8,000 कदम बढ़ा दिए। अब आप सोचिए, बैठे बैठे कुछ नहीं, बस तो ऑब्वियसली सड़क पर चलती थोड़ी हिलती है, तो इसको लगा कि स्टेप्स बढ़ रहे हैं, तो 8,000 कदम के आसपास स्टेप्स बढ़ गए। एनीवे, तो ये तो जस्ट है। तो आज हम इन्फिनिक्स इस बैंड की यू नो एक्यूरेसी ट्रैक करते हैं, दो चीज़ चेक करेंगे, स्टेप्स मीटर कितने स्टेप्स चले, और ऑब्वियसली बिटवीन में जो हार्ट रेट हुआ ऑन एन एवरेज कितना दिखा रहा है मैक्सिमम मिनिमम। तो मैं दो बैंड और ले रहा हूँ, एक्चुअली लिनोवो का बैंड मेरा वो डैमेज है, तो ये लेटेस्ट है दो, Xiaomi का मी बैंड 4 और ये ऑनर बैंड 4 और ये इन्फिनिक्स बैंड 5। तो फिलहाल मेरे हाथ में स्मार्ट वॉच है, तो मैंने तीनों को इसमें कनेक्ट कर रखा है, सभी प्रॉपरली सिंक्ड हैं। ये जस्ट नाउ मैंने अभी इसको चार्ज किया है दोबारा, तो स्टेप्स इसके जीरो हैं, ये 23 स्टेप पे है करेंटली इन्फिनिक्स का। यहाँ पे देखिए 17 दिखा रहा है, यहाँ पे 22 दिखा रहा है, तो समहाउ 22, 23, 1550, तो मैं तीनों को अपने हाथ पे पहन रहा हूँ, और साथ में मेरे सैमसंग का ये गैलेक्सी वॉच भी है, मैंने ये तीनों हाथ में पहन लिया है, और एक हाथ में मेरे ये सैमसंग की जो गैलेक्सी एक्टिव वॉच आती वो है। तब मैं यूजुअल नाइट वॉक पे जा रहा हूँ, अराउंड 30 मिनट से 45 मिनट करता हूँ, और अपने स्मार्ट वॉच का मैं आपको दिखा दूँ कितने स्टेप्स हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी मैं साथ में काउंट कर रहा हूँ, 3298। आज एक्चुअली मैं काफ़ी वर्क कर रहा था रियलमी 5S पे, तो मैं जा नहीं पाया, 3298 22 23 5550। तो अब मैं जाता हूँ, वॉक करता हूँ अपने यूजुअल रूटीन पे, फिर मैं आके आपको दिखाता हूँ कौन सी वॉच कितनी यू नो एक्यूरेट है। आई मीन, आप मान के चलिए 10% से 15% तक का वेरिएशन सब में मिलेगा आपको। वॉक करके आ गया हूँ मैं, अराउंड आई गेस 40-41 मिनट की वॉक होगी। सारे फ़ोन्स ऑन करता हूँ मैं, और साथ ही हम गैलेक्सी का भी देखते हैं। तो ये देखिए, अच्छी बात देखिए, इन्फिनिक्स में ऑलरेडी अपने आप वो कनेक्टेड था और अपडेट हो गया है, और मी वाले में भी देखिए अपडेट हो गया है, ऑनर वाले में मेरे को शायद आई गेस रिफ़्रेश करना पड़ेगा, ब्लूटूथ अपने आप ऑटो ऑफ हो गया था इसलिए। तब ये तो स्टैट्स हैं, अब किसका एक्यूरेट है वो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जहाँ तक हम देख रहे हैं फिटनेस बैंड में वो ऑलमोस्ट नियर अबाउट इक्वली हैं, और जो सबसे बेस्ट एक्यूरेट अगर आप माने इस तरह अगर रेगुलर एक्टिविटी में, तो डेफिनेटली वो सैमसंग में ज़्यादा बेस्ट होगा। अगर हार्ट रेट चेक करें तो यहाँ पे देखिए एवरेज यहाँ पे 88 है, 76 है, 77 है, तो एक्यूरेट तो मैं इसको ज़्यादा मानूंगा, और यहाँ पे एक्चुअली एवरेज दिखा नहीं रहा है, ये समवेयर बिटवीन आप देख सकते हैं 90 से ये है, तो ये हार्ट रेट सबसे ज़्यादा दिखा रहा है। आप जो भी स्टेप्स देखें आप उसको 100% एक्यूरेट ना माने, 90% के अराउंड रखें, और हार्ट रेट मुझे इसका थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि 70 से 80 के अराउंड होना चाहिए, और जो यहाँ पे भी दिखा रहा है यहाँ पे भी थोड़ा सा ज़्यादा है, मी बैंड इस मामले में ठीक लग रहा है, और ये थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है।
इस बैंड में एक अच्छी फीचर ये मिलती है कि आप हाथ शेक करके पिक्चर्स ले सकते हैं। अगर आपने हाथ में बैंड पहना है और आपने दोनों को कनेक्ट कर रखा है बैंड और फ़ोन को, तो एक अच्छी फीचर मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप एप्लीकेशन में जाएंगे, यहाँ पे है शेक टू टेक पिक्चर। जैसे कि मेरा हाथ अभी स्टिल है और देखिए ये मैंने कैमरा ये फीचर ऑन किया और जैसे ही मैं हाथ घुमाऊँगा देखिए यहाँ पर नंबर आ गया और ये आप फ़ोटो ले सकते हैं। तो आपके हाथ में जैसे भी मोशन होगा तो इस तरह ये फोटोग्राफ्स ले लेती है। तो मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स हमने कवर कर ली है, ट्रैकिंग भी देख ली है, अब बारी है प्रोस एंड कॉन्स की एंड फाइनल वर्डिट की। तो मैं कॉन्स से स्टार्ट करता हूँ। जो बिगेस्ट कॉन्स मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि यहाँ पे मुझे कोई टच डिस्प्ले नहीं दिया गया। जैसे देखिए सभी बैंड्स जो आजकल आ रहे हैं उसमें आपको टच फीचर मिलता है जिसके थ्रू आप क्विकली बैंड को ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको 1x1 कम्प्लीटली नेविगेट करना पड़ेगा, इस तरह कोई नेविगेशन नहीं है। तो जैसे आप मैसेज भेजना चाहते थे, आप ट्रेनिंग पे फंक्शन पे चले गए, तो आपको कंप्लीट ये नेविगेट करके वहाँ पे जाना पड़ेगा। टच ना होने की वजह से आपको ऑपरेट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि अगर आप फंक्शन के अंदर जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा और आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तब वहाँ पर आप जाएंगे, उसके बाद अगेन टच नहीं। जैसे देखा मुझे आधा से टच करने की, फिर आपको अगले फीचर पर जाना है तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। एंड जैसे अगर मुझे ये ब्राइटनेस कंट्रोल करनी है, देखिए मैं अगेन एग्जिट हो गया, तो ये अगेन रियली थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। मैं अंदर आ गया, अब मुझे ब्राइटनेस बढ़ाना है तो मैं दोबारा लॉन्ग प्रेस करूँगा एंड अब देखिए वन टच पे ये बढ़ रहा है। बैक करना है तो फिर मैं लॉन्ग प्रेस करूँगा, इस तरह ये देखिए बैक होता है। तो अब ये डिपेंड करता है कि आप बैंड कितनी बार यूज़ करते हैं ऑपरेट करने के लिए। अगर आपको सिर्फ फिटनेस ट्रैकिंग ही देखनी है तो आप वो चीज़ एप्लीकेशन में देख सकते हैं, आपको यहाँ बार बार जाने की ज़रूरत नहीं है। और एक बार आपका बैंड यहाँ पे सेट है, जैसे कि इस टाइमर पे होम स्क्रीन पे, तो वो तो ऑलरेडी वहीं पर रहेगा डिफॉल्ट पोजीशन, तो ये कुछ लोगों के लिए ड्रॉबैक हो सकती है। और एक और जो ड्रॉबैक मुझे लग रही है वो ये कि ये आपका जो चार्जिंग सिस्टम है मुझे ये बहुत रिलायबल नहीं लगता है। लिनोवो बैंड मैंने लास्ट में रिव्यू किया था, 4 से 5 महीने बाद उसका ये पार्ट यहाँ से ब्रेक हो गया था। तो अभी तो मैं नहीं कह सकता कि ये कितना स्ट्रांग है, कितना दिन चलेगा। और इसके बैकअप की बात करें तो मैंने फिलहाल इसको कंटिन्यूस हार्ट रेट मॉनिटरिंग पर रखा है और एक बार चार्ज करके कम्प्लीटली 6 दिन चला है, फिर मैं इसको नेक्स्ट टाइम चार्ज करके फिर दोबारा यूज़ कर रहा हूँ। तो इस तरह अगर आप देखें, अगर आप कंटिन्यूस हार्ट रेट नहीं यूज़ करते हैं तो आई गेस ये 10 से 12 दिन आराम से चल जाना चाहिए, लेकिन अगर वो फीचर दी गई तो आपको वो फीचर यूज़ करना चाहिए। तो 6 से 7 दिन आप बहुत आसानी से इस बैंड को एक बार चार्ज करके चला सकते हैं। एट द लास्ट प्रोस की बात करें तो ये स्ट्रैप का डिज़ाइन मुझे ठीक लग रहा है कंपेयर टू अगर मी बैंड के, जिसमें ये यू नो थोड़ी सी ड्रॉबैक होती है अगर आप इसको पहनते हैं और अगर आपका हाथ गलती से कहीं फंस जाता है तो ये अक्सर होता है कि ये ऐसे निकल के बैंड गिर जाता है। तो यहाँ पे ये कम्प्लीटली यू नो डिफॉल्ट लॉकिंग मैकेनिज्म वाला है तो ये आपका गिरेगा नहीं। और ये जो सिल्वर डिज़ाइन है ये अच्छी लग रही है, बैटरी बैकअप इसका रियली एक्सीलेंट है, ये सभी चीज़ें मुझे प्रोस में लग रही हैं। बाकी यू नो जो फोटोग्राफ लेने का जैसा फीचर भी अच्छा है, कंटिन्यूस ट्रैक मॉनिटरिंग ये भी अच्छा है, कुछ लोगों के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है। और जो एप्लीकेशन है उसमें मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं लगी, एप्लीकेशन बहुत अच्छे से काम कर रहा है, कोई भी उसमें यू नो क्रैश ऐसा कुछ नहीं है कि एप्लीकेशन क्रैश हो रहा हो, सभी डेटा परफेक्टली सिंक हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एट द लास्ट गाइस, वैसे तो प्राइस के हिसाब से फीचर्स ठीक हैं, लेकिन अगेन बहुत से अदर अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि जैसे कि आपको एमोलेड डिस्प्ले चाहिए, आपको टच फीचर चाहिए तो ऑब्वियसली आपको कहीं और मिलेगा, आप ज़्यादा टच फंक्शनलिटी यूज़ नहीं करते हैं तो ये बैंड भी वही सब फीचर दे देगा जो अदर बैंड्स में भी देते हैं। बैटरी बैकअप इसका रियली अच्छा है और एज सच मुझे कोई और मेजर कॉन्स नहीं देगा जो मैंने आपको दो बताए हैं। अगर वो आपके लिए डील ब्रेकिंग है तो शायद आपके लिए बैंड परफेक्ट नहीं है। तो गाइस ये था इन्फिनिक्स बैंड 5 का फुल रिव्यू। कोई भी कंसर्न क्वेरी से कमेंट में पूछ लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, हैव अ ग्रेट डे।